मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग जाने वाले एलिफेंटा केव्स। एलिफेंटा केव्स एक आइलैंड है, तो वहाँ पे पहुँचने के लिए हमें जाना होगा बोट से। तो बोट से कैसे जाना, वहाँ तक कैसे पहुँचना, इस सबको मैं इस वीडियो में कवर करने देखूंगा। तो फिलहाल अभी चलते हैं। एलिफेंटा केव्स पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको पहुँचना होगा गेट ऑफ इंडिया। गेट ऑफ इंडिया का नज़दीकी रेलवे स्टेशन है CSMT स्टेशन। ये सेंट्रल लाइन में आता है, तो आपको बहुत सारे लोकल ट्रेन मिल जाएगा यहाँ के लिए CSMT स्टेशन के लिए। मैं आपको मैप दे दूंगा, उससे देख के आप बहुत ही आसानी से यहाँ पे पहुँच सकते हो। ट्रेन से उतरने के बाद हमें लेना होगा यहाँ से लेफ्ट, यहाँ से लेफ्ट लेके आप जैसे राइट की तरफ थोड़ा आगे जाओगे, आप स्टेशन से बाहर निकलोगे तो आपको एक बस डेपो मिल जाएगा जहाँ से हमें मिलेगी बस। तो जैसे आप स्टेशन से बाहर आओगे यहीं पे आपको सामने बस स्टॉप दिखेगा। तो हमें 116 बस पे जाना है, यहाँ पे 115 लगेगा। सामने लगता है हमारा 116 जो हमें गेटवे ऑफ इंडिया तक लेके जाएगा। ये रही हमारी A116 बस, और यहाँ से हर 15-15 मिनट में आपको बस जाती है यहाँ से गेट ऑफ इंडिया के लिए, और ये डायरेक्ट गेट ऑफ इंडिया के लिए जाती है। अगर आपको टैक्सी से जाना, बाजू में टैक्सी स्टैंड है, वहाँ से आप टैक्सी करके भी जा सकते हो। शेयरिंग टैक्सी भी है, पर्सनल टैक्सी भी है। और इस बस का टिकट होगा आपको बस 6 रुपये में। AC बस है, आपको गेट ऑफ इंडिया तक जाती है, तो बेटर ऑप्शन रहेगा AC बस ये। और ये बस हमें यहाँ पे ला के छोड़ती है, और इसके सामने हमारा है सामने टिकट काउंटर। चलते हैं टिकट निकालते हैं। टिकट्स के बारे में अभी जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे डीलक्स है और इकोनॉमी है। डीलक्स में आपको 260 रुपीस पर पर्सन है, और बच्चों के लिए 170। ये रिटर्न टिकट है, आपको आप जाके रिटर्न आ सकते हो। इकोनॉमी में भी सेम है आपका 165 और बच्चों के लिए 125। डीलक्स में आपको हर आधे घंटे में बोट है, और इकोनॉमी का मैंने उनसे पूछा तो बोलते दिन में खाली 2 ही यहाँ से बोट जाती है, और उसका भी टाइमिंग परफेक्ट पता नहीं है। और मैंने जितना इंक्वायरी की है ये बोट कैसे दिखती है वो भी आइडिया है नहीं अभी फिलहाल तो मुझे। और सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक आपको फेरी सर्विस है यहाँ से गेट ऑफ इंडिया से एलिफेंटा के लिए। 3 बजे के बाद आपको कोई भी फेरी सर्विस है नहीं, क्योंकि एलिफेंटा एक आइलैंड है, वहाँ पे आपको रहने के लिए कुछ ऑप्शन है नहीं। तो लास्ट फेरी एलिफेंटा केव्स है 5:30 बजे की है, और मंडे को एलिफेंटा केव्स बंद रहता, तो ध्यान में रखना, नहीं तो यहाँ पे आके आपका दिन वेस्ट हो सकता है। तो ये तो हो गया अभी टिकट की बात। जैसे मैं टिकट लेने पहुंचा काउंटर पे, तो मुझे टिकट देने से मना कर दिया। अकेले बंदों को यहाँ पर टिकट नहीं मिलता बोलता। मैंने रीज़न पूछा टिकट ना देने का, तो उन्होंने बोला एलिफेंटा केव्स में सुसाइड के केसेस की वजह से अकेले बंदों को यहाँ पर टिकट नहीं मिलता। तो मैं इतने दूर से आया, तो मुझे एलिफेंटा केव्स जाना था ही, तो मैं अंदर चला गया। कोई अगर फैमिली एलिफेंटा केव्स जाती रहेगी तो उनसे रिक्वेस्ट करके मैं अपना टिकट निकाल लूँ करके। तो मैंने देखा वहाँ पे कुछ लोग टिकट लेके घूमते रहते हैं एलिफेंटा केव्स का, तो उनसे मैंने बहुत ही आसानी से टिकट ले लिया, तो वहाँ से मुझे टिकट मिल गया। तो हमने टिकट ले लिया डीलक्स 260 रुपीज़ का। अगर आप सोच रहे होगे आपको डीलक्स में बैठने मिलेगा, तो आपका पोपट हो सकता है, क्योंकि डीलक्स के नाम पे ये धब्बा है जो मैं आपको आगे बताता हूँ। अच्छा ठीक है। तो फाइनली हमें टिकट मिल गया है। जैसे आप चेकिंग गेट से आओगे तो आपको सामने की तरफ जाना है, और जो ये गेट ऑफ इंडिया इसके पीछे हमारी बोट लगी है, तो वहाँ पे जाते हैं जल्दी। और एक्चुअली मेरी 9 बजे की बोट छूट गई है, मुझे लेट हो गया था, तो अभी 9:30 बजे की मुझे लगता है फेरी मिलेगी, और आधे आधे घंटे में यहाँ से आपको फेरी है। और ये है इनकी डीलक्स। अच्छा यहाँ पे सही से बैठने के लिए सीट्स नहीं है, और इसे ये डीलक्स बोल रहे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मुझे लगता है जब चप्पू वाले बोट होती थी, जबकि जमाने की डीलक्स थे, तब से इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ नहीं है अभी तक, तो इसे डीलक्स बोल के चला रहे अभी भी। सारे मिलके हमको पागल बना रहे। तो जो कोई भी आ रहा है इस बोट के अंदर, जो नया आ रहा है, वो यही पूछ रहा है ये डीलक्स है, ये डीलक्स है। अगर आपको असली डीलक्स का एक्सपीरियंस करना है, असली तो नहीं बोलूंगा पर डीलक्स के रेंज का आपको एक्सपीरियंस जरूर मिलेगा, वो भी कम पैसों में। भाव के तरीके से एक नई बोट आई है नयनतारा, जो अलीबाग के लिए जाती है, और उसका प्राइस भी अभी कम हो चुका है। आपको खाली 250 रुपीज़ में आपको फुल्ली AC आपको अलीबाग तक के लिए जाती है, और विद सेफ्टी फीचर के साथ आपको अलीबाग तक लेके जाती है। तो उसको जरूर आप एक्सपीरियंस करना, उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, लिंक मैं दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे से जाके आप देख सकते हो। तो चलो भाई अभी डीलक्स में आए, तो डीलक्स का मजा लेते हुए जाते हैं। गेट ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव्स के लिए आपको 1 घंटा लगता है इस बोट में। अगर आप पहले आए रहेंगे तो आपको ऊपर जाने मिलता था, और 10 रुपये एक्स्ट्रा देके आप ऊपर जा सकते थे, पर अब ऊपर बंद कर दिया है। मैं जब गया था उसके 2-3 दिन पहले से ही ये सर्विस बंद कर दिया था ऊपर जाने का। तो मैंने उनको पूछा रीज़न क्या है, तो उन्होंने कुछ सही से बताया नहीं, मुझे लगता है सेफ्टी का कुछ इशू है। तो इस बोट में एक ही मज़ा था जो ऊपर बैठ के जाने में आता था, अभी वो भी नहीं रहा, तो अभी नीचे बैठ के जाना है, तो पूरा रास्ता चलो नीचे से ही जाते हैं। तो ये तो हो गया यहाँ के सर्विस के बारे में, मैंने आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया है। अगर आप सोचते होगे कि यहाँ पे आके आपका पैसा वेस्ट है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप सुबह में जल्दी आते हो तो आपको सनराइज देखने मिलता है, अगर आपका नसीब अच्छा हो तो यहाँ पे डॉल्फिन तक देखने मिलता है। मैं आपको ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं लास्ट टाइम आया था मुझे डॉल्फिन देखने मिला था, तब मेरे पास इतना अच्छा कैमरा नहीं था, फिर भी मैंने थोड़ा बहुत शूट किया है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे मुंबई में डॉल्फिन देखने मिलेगा, पर मैं लकी था मुझे डॉल्फिन देखने मिला। अगर आप लकी होगे तो आपको भी शायद देखने मिल सकता है। प्लस यहाँ पे आपको 1500 साल पुराना केव देखने मिलता है, उसके सामने ये पैसा कुछ भी नहीं है। तो
जैसे आप आइलैंड के नजदीक पहुंचने लगोगे आपको लेफ्ट साइड में एक ब्रिज देखने मिलेगा जो कि इंडिया का सबसे लंबा सी ब्रिज होने वाला है मुंबई टू नवी मुंबई के लिए। और ये ब्रिज टोटल 17 किलोमीटर का और ये पूरा ब्रिज समुद्र के ऊपर बन रहा है और बहुत ही जल्दी इसका काम भी कम्प्लीट होने वाला है। ये जस्ट मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बताया। जैसे आप बोट से उतरोगे थोड़ा आगे जाओगे लेफ्ट साइड में आपको एक टिकट काउंटर दिखेगा जहाँ से आप टॉय ट्रेन के लिए टिकट ले सकते हो। ₹10 का एक टिकट है। यहाँ से यहाँ पे काउंटर है, जैसे यहाँ से आओगे तो सामने आपको यहाँ पे टॉय ट्रेन दिख जाएगा। जैसा टॉय ट्रेन से उतरोगे आप तो आपको यहाँ पे बीच में एक एंट्री पास देना होता है जो कि है ₹5, उसका टिकट भी मिलता प्रॉपर। और उसके बाद हम लोग को एलिफेंटा केव्स के अंदर जाने के लिए अलग से एक टिकट निकालना होगा जो कि मैं आपको आगे बता रहा हूँ। तो कुछ ऐसा आपको मार्केट के बीच में से होते हुए जाना पड़ता है और प्लस आपको यहाँ से 120 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना है। जैसे आप सीढ़ी चढ़ के ऊपर आओगे तो सामने आपको ये रास्ता जा रहा है, ये है केव्स के लिए जाता है। अगर आप राइट मारते तो आपको कैनन हिल है जहाँ पे आपको दो कैनन देखने मिलते हैं और थोड़ा व्यू पॉइंट है। और अगर आप लेफ्ट साइड में यहाँ से नीचे जाते हो तो आपको यहाँ से लेके जहाँ पर मैं आगे जाऊँगा। तो फिलहाल अभी केव के अंदर जाते हैं। तो यहाँ से हमने टिकट लिया है और इसका चार्जेस है ₹40 केव के अंदर जाने के लिए। तो हम आ गए हमारे पहले केव्स के पास। यहाँ पे टोटल 7 केव्स है, उसमें से 5 हिंदू केव्स है और 2 बुद्धिस्ट केव्स है जिसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। ये वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट में आता है और ये केव्स 1500 साल पुराना है। केव्स बोलने से अच्छा मैं इसे बोलना चाहूंगा मंदिर, क्योंकि ये भगवान शिव को समर्पित है और उस जमाने पे यहाँ पे पूजा पाठ किया जाता था। क्योंकि खंडित होने की वजह से यहाँ पे अभी पूजा पाठ किया नहीं जाता है। खंडित मतलब बोल सकते हैं आप तभी के तोड़फोड़ की वजह से यहाँ पे अभी पूजा पाठ नहीं होता है। और तोड़फोड़ किसने किया, क्यों किया, इसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूं। तो जैसे कि अभी ये पहला केव है तो यहीं पर आपको सब स्ट्रक्चर देखने मिलेगा। आप इसे इम्पोर्टेंट केव भी बोल सकते हो जहाँ पर आपको भगवान शिव के सब मूर्तियाँ देखने मिलेगी। और इसमें से एक जो मेन स्ट्रक्चर है जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश वाली भगवान शिव की जो मूर्ति है 20 फीट की, जो कि देखने जैसी है। और यहाँ पर एक ही ये जो मूर्ति है जो सही सलामत है, इसे छोड़ के बाकी सबको तोड़फोड़ किया गया है पोर्तुगीजियों के दौरान। और यहाँ पे आपको नटराज की मूर्ति देखने मिलेगी और अर्धनारीश्वर देखने मिलेगा आपको। और यहाँ पे आपको शिवलिंग देखने मिलेगा। ऐसे और भी कई सारी मूर्तियाँ जो दिखाने की हालत में है नहीं पर देखने जैसा है। और यहाँ पे आके देखने का एक्सपीरियंस और फोटो में देखने का एक्सपीरियंस बहुत अलग है। तो यहाँ पे आके आप देखोगे वो एक्सपीरियंस अलग ही होगा। और पहला केव देखने के बाद उसके बाजू में आपको एक के बाद एक केव देखने मिल जाएगा। और ये जो 5 हिंदू केव्स है उसमें से एक केव आप विजिट नहीं कर सकते जो कि 5 नंबर का, वो फिलहाल अभी गिरने की हालत में, तो आप बाहर से देख सकते हो अंदर नहीं जा सकते हो। और इस आइलैंड को सबसे पहली बार देखा था पोर्तुगीज ने, उन्हें यहाँ पर हाथी की आकार का बहुत बड़ा पत्थर दिखा था जिसे देखकर वो चिल्लाए थे एलिफेंट एलिफेंट करके। तब से इस आइलैंड का नाम पड़ा एलिफेंटा केव्स करके और उससे पहले इसका नाम था घारापुरी करके। अगर आपको लेक देखना तो यहाँ से नीचे रास्ता है, तो हम लोग जाएंगे अभी लेक के पास। तो अब बात करते हैं पोर्तुगीजियों के बारे में। पोर्तुगीजियों ने यहाँ पे आके सब वादा वाट लगाया आधे से ज़्यादा, जैसे कि मुंबई पे कई समय तक उनका राज था, उसके साथ ही में इस आइलैंड पे भी था। तो जितने भी रूलर आते थे वो एक ही काम करते थे, जितना भी पहले का जो स्ट्रक्चर होता था उसे तोड़ के अपना स्ट्रक्चर बांधते थे। तो उन्होंने भी वही किया। पोर्तुगीजियों को शिल्पकला सीखना था तो केव्स के अंदर जितने भी जो स्ट्रक्चर थे उन्हीं के ऊपर ये अपना प्रैक्टिस किया करते थे। इसी दौरान उन्होंने ऑलमोस्ट हर एक को उन्होंने डैमेज पहुँचाया है। और उनका ये तक मानना था कि जो केव्स के अंदर जो बड़े बड़े जो पिलर है उसे अगर हम लोग नीचे से अगर तोड़े पूरा केव्स गिर सकता है क्या, ये चेक करना था उन्हें। तो उन्होंने तोड़ा भी पर केव्स को कुछ हुआ नहीं, क्योंकि केव्स पूरा एक ही पत्थर से बना हुआ है। तो अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उसे वापस से रीबिल्ड किया है। आप अगर जाओगे तो आपको देखने मिल सकता है नीचे सीमेंट का आपको कंस्ट्रक्शन और जो लोखंड के रॉड वगैरह होते हैं वो भी आपको देखने मिलेगा। मैं आपको कुछ पिक्चर्स भी दिखा दूंगा। और थोड़ा 5 मिनट चल के आओगे आगे तो आपको यहाँ पे लेक के लिए एंट्री दिख जाएगा। तो ये लेक देखने जैसा है। कुछ ये टाइप का आपका लेक है। और आज के लिए बस इतना ही। होप करता हूँ कि आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।